हमारे बड़े बूढ़े सर पे भेजा करते थे। अच्छा, पिताजी ने ढेरी लगाई। अरे बाप रे, तीनों लोगों के स्वामी है वो तो। सही बात है, ये भोलेनाथ की कृपा, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, आपका प्रेम है। बहुत बढ़िया, चपेड़े वाले भटूरा एक ले लिया और उसके ऊपर ये पनीर ग्रेट करेंगे। अब ये देखो पनीर है। अच्छा पनीर है, ये फ्राइड पनीर है। वाह भाई, और रंगत देखो, आप देखो क्या बढ़िया छोले लग रहे हैं देखने में, खुशबूदार छोले हैं। इसके साथ एकदम पनीर वाले स्टफ्ड भटूरे आएंगे, वो भी एकदम पतले। ये आ गए भाई साहब बैनी राम जी के, बढ़िया पेपर भटूरा बोलो चाहे आप इसे तवा भटूरा बोलो। और ये देख लो भाई साहब, भैया कितने साल हो गए आपको? ये साल का तो नहीं पता, लेकिन पीढ़ी चौथी काम कर रही है। चौथी पीढ़ी काम कर रही है, क्या बात है। सर पे बेचा करते थे ना हमारे। ये देखो भाई, हमारे बड़े बूढ़े सर पे बेचा करते थे। अच्छा, पिताजी ने ढेरी लगाई। अरे बाप रे, भाई लोगों ने फिर दुकान ली। अच्छा, बैठे हुए आपकी शरण में भोलेनाथ। ये क्या चीज है जो डाल रहे हो? ये पनीर है। अच्छा पनीर है, ये फ्राइड पनीर है। वाह भाई, और रंगत देखो भाई साहब। मैं कह रहा हूँ ये ऐसा नज़ारा ना आपको सिर्फ आगरा में देखने को मिलेगा। आप देखो क्या बढ़िया छोले लग रहे हैं देखने में, खुशबूदार छोले हैं। इसके साथ एकदम पनीर वाले स्टफ्ड भटूरे आएंगे, वो भी एकदम पतले, इतने पतले कि आप दो प्लेट खा जाओगे और भैया को पता क्या बोलोगे कि भैया यार कुछ खिलाया ही नहीं आपने यार, मतलब इतने हल्के होंगे। ये देख लो, आप लगवाते हैं भाई एक साथ सारे डोने भैया के लगेंगे और दिखाते हैं कैसे बनाते हैं और क्या क्या डालते हैं। अब आप देखते जाओ कि इसके अंदर पूरी तैयारी कैसे होती है। प्याज चाहिए या नहीं चाहिए ये भैया आपसे पूछ लेंगे जब भी आप खाने के लिए आओगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ तक अगर किसी को पहुँचना हो तो कैसे पहुँचे? अच्छा बेलनगंज, जो कि फाटक फिरोजान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वहाँ पे हमारी दुकान बेनी राम के नाम से है, जिसका मकान नंबर है 6/137। अच्छा जी, फाटक फिरोजान, मोबाइल नंबर 9837335371। तो भाई फ़ोन नंबर भी मिल गया, अगर आपको नहीं मिल रही है लोकेशन तो आप पूछ सकते हो भैया से। अब ये देख लो एक साथ लगा दिए भैया ने, और अभी ये जो भैया नींबू डालते हैं ना यार, मतलब मैंने भैया का वीडियो देखा भाई, मतलब मैं कह रहा दिल खुश हो जाएगा आपका, भर भर के डालते हैं। ये देखो ये आ गया मसाला, ये किस चीज़ का मसाला होता है भैया? मसाले तो जेन्युइनली वही होते हैं, लेकिन उनको मिला करके मैश करके काली मिर्ची दालचीनी गरम मसाला टाइप बना रहे हो आप एक। अच्छा, फिर उसमें सेट किया जाता है बिना प्याज तो नहीं कोई एक दो एक बिना प्याज। देखा, और भैया भोले जी के बड़े भक्त हैं, उन्हीं की कृपा से तो। क्या बात है, सही बात है, तीनों लोगों के स्वामी है वो तो। सही बात है, ये भोलेनाथ की कृपा, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, आपका प्रेम है। बहुत बढ़िया, बड़े खुश मसाद है भैया। बाबा की लीला है, सब दयालु। आगरा में वैसे देखा है मैंने, हर एक बंदा बड़ा खुश मिजाज का बंदा है। हाँ, ये देखो भाई नींबू ढको, ये देखो, ये शाबाश, क्या बात है, ये है भाई बढ़िया शॉट। तो हाँ भैया अब निशाना बड़ा अच्छा है, पेन चलता है, माउस चलता है, मेरी उंगलियां चलती है। सही बात है, ये देखो पढ़ाई है, हम बचपन से सीखे। बहुत बढ़िया भाई, टैलेंट की कमी नहीं है अपने भारत देश में। ये लो परफेक्ट, अब ये देखो हर किसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा मखाना और एक पनीर का पीस। ये देखो ये है, ये है इनके बेनी राम जी के स्पेशल छोले भटूरे, तवा भटूरा बोलो चाहे स्टफ्ड भटूरा बोलो, पतला पेपर भटूरा बोलो। और हर एक बंदा यहाँ पे हाथ में डोना पकड़ के खड़ा है कि थोड़े से छोले और दे दो और साथ में भटूरा और दे दो, है ना बढ़िया चीज़। तो बस यही खाने के लिए हम आए हैं इतनी दूर से। ये देखो भाई साहब, ये अब भटूरे देखो, एकदम पतले भटूरे ये देख रहे हो, इसीलिए इसको पेपर भटूरा कहा जाता है यहाँ पे, और एकदम पतले हैं, मतलब कि जब आप खाओगे ना इसे तो भारीपन फील नहीं होगा ज़्यादा। ये देखो परफेक्ट, ये चपेड़े वाले परफेक्ट है भाई, बढ़िया टेस्ट है। आप पहली बार आए हो या आते रहते हो यहाँ? तो पहली बार ही आया। अच्छा, तो सही लगा आपको टेस्ट? पैसे के हिसाब से सब बढ़िया, किसी चीज़ की कमी लग रही है? हैवी तो नहीं है, प्लेट की कमी है, पेपर पर नहीं देना चाहिए। अच्छा प्लेट चाहिए आपको, क्या बात है। ये भैया जी खा रहे हैं, भैया टेस्ट सही है? टेस्ट नंबर है। पहली बार आए हो या आते रहते हो? मैं आता रहता हूँ। अच्छा, तो मतलब मज़ा आ गया, क्या बात है, मतलब लंच के लिए सबसे बढ़िया जगह लगती है आपको यहाँ है?
सही लगा आपको? क्या बात है, क्योंकि पनीर वाले जो भटूरे हैं वो कैसे बनते हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि पनीर वाले भटूरे कैसे बनते हैं। ये पूरे पनीर के ब्लॉक को काटा जा रहा है आपके सामने, एकदम फ्रेश पनीर निकाला है भैया ने। दो सारे सामान दो बेटे, गरम मसाला दो, ने मसाला उनके पास रखा हुआ है। ये आ गए भटूरे, ये देखो ये आ गए भटूरे, ये भटूरा एक ले लिया और उसके ऊपर ये पनीर ग्रेट करेंगे अब। ये देखो ये पनीर ग्रेट हो रहा है, आप देखोगे मैं इसको पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये पनीर स्टफ्ड भटूरा है, इसके ऊपर फिर भटूरा आ जाएगा। हाँ ये देखो भाई, ये मसाले वसाले आ गए बढ़िया से, और अब ये तवे पे जाएंगे, गर्म होंगे और आपको टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसा है पनीर वाले। हाँ ये दो भटूरे का एक एक भटूरा बन जाएगा। ये देखो ये देखो, अब ये पनीर वाला कैसे वो हो रहा है, ये डाल दिया बटर और ये डबल आ गया। ये इसे कहते हैं स्टफ पनीर भटूरा। हमने तो दिल्ली में बहुत खाया है ना पनीर वाले छोले भटूरे, वो तो हल्का सा नाम के बराबर डालते हैं। ये आपने देख लिया कि पूरा ढूंढना पड़ता पनीर। हाँ और ये पूरा स्टफ्ड है, मतलब कि इसको ओपन करके देखोगे ना तो आप खुद बोलोगे यार वाकई में चीज़ डाली है और पैसा तभी लिया। ये लो भाई कटिंग भी हो गई। ये आ गए छोले, पनीर वाले छोले, पनीर वाले छोले, पनीर वाले छोले। हाँ बढ़िया, ये मसाला वसाला डाल दिया, नींबू डाल दिया, सब तैयार है। अब चलते हैं टेस्ट करते हैं, अब आपको बताते हैं टेस्ट कैसा। तो ये देखो भाई प्लेट आ चुकी है भाई, और ये टेस्टिंग होगी। हमारे साथ आगरा ईटर है जो सारे वीडियो में टेस्टिंग ये करेगी ऑलमोस्ट। तो डालो डालो करो, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा। छोले पनीर और मखाने की सब्जी है ये पनीर तो अंकल ने मिला दिया है बिल्कुल सही भाई, स्टफ्ड है ना ये पनीर, स्टफ्ड है के साथ छोले भी अलग आते हैं। ये बढ़िया गाइस, वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिस हिसाब से मतलब दे रहे हैं ना, और वाकई टेस्ट भी वही दे रहे हैं। हां ये देखो भाई साहब, अंदर देखो पनीर ही पनीर है, बढ़िया पनीर के स्टफिंग में मसाले हैं, धनिया है, प्याज है, मतलब बहुत सही है यार। एक टेस्ट करता हूं मैं भी, और ना छोले में भी बहुत टेस्ट है। भाई यूनिक है, यूनिक है छोले बहुत बढ़िया हैं, तभी लोग बार बार मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए। ये 10 में से कितने नंबर देगी? 10 में से 8 आठ, 10 में से 8 नंबर देगी। मुझे भी थोड़ा सा नमक कम तेल लगा यार, ये मेरे को भी लग रहा है या हर जगह ऐसे ही होता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो यूनिक ही कॉन्सेप्ट है अंकल, पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं, लेकिन बहुत लोग खाने आगरा वाले बहुत पसंद करते हैं। छोले भटूरे की अगर बात की जाए ना तो आगरा में बेनी राम नंबर वन पे रहता है, स्पेशल मिलते ही यहाँ पे तभी वाले हैं। तो भाई आप कभी यहाँ पे आए ना इसको ट्राई करना और हमें बताना कैसा लगा।